और आप बच्चों लेने के लिए आए तो आप साथ फिर बच्चों के हम बेचते हो कारण यार अच्छी पढ़ाई होती है आपके साथ, क्या बात है। ठीक है बच्चा, संतुष्ट है। आप देखो ये निकल रहे तपोस्थली से, ऐसे कर्मस्थली की और भावस्थली की बिल्डिंग आपको दिखाएंगे। जब तक यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं सबको दिखाया जाएगा। अब पूरी गली भर जाती है बच्चों से, ड्रोन को गली में पूरा लेके जाके तरीके से दिखाया जाए। ये देखें, ये एक शानदार सा ये रात का दृश्य है। 12 बजे का साहब, दुनिया की कोई कोचिंग इस बात की कल्पना नहीं कर सकती रात को 12 बजे से हजारों हजारों बच्चे बैठा के आप इनको, और सब बच्चे सुरक्षित अपने घर जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये हमारे सीकर की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं। सीकर का पुलिस प्रशासन हो, सीकर का प्रशासन हो, सीकर के लोकल गार्जियंस हो, सब कोऑपरेट करते हैं। आप समझ सकते हो 12 बजे इस प्रकार बच्चे निकलते हैं तो रोल केवल अकेले हमारा ही नहीं है, सबका रोल है, मोहल्ले वालों का, प्राइवेट हॉस्टल वालों का, हॉस्टल वालों का। और मैं विशेष रूप से आभारी हमारे पुलिस प्रशासन और प्रशासन का जो बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे बच्चों के लिए, चाहे वो भी चौराहे पे गश्त की व्यवस्था करना हो, बच्चे रात को कैंप छूटते हैं सारी व्यवस्था करना हो। अब हम चलते हैं आपके साथ पैदल पैदल। अब आप देखिए यहाँ ड्रोन उड़ रहा होगा, निश्चित रूप से ड्रोन ऊपर जा चुका है और ड्रोन इस पूरी गली को आपको दिखा रहा है। ड्रोन तपोस्थली से लेके कर्मस्थली तक जो भाई पिला सब थोड़ा खेल सोने के खरान हो गई है। अब इधर से हमारे बॉयज की क्लास कैंप छूटा है, उधर हमारे कर्मस्थली से हमारी बेटियों और बॉयज वापस जो माइंड बैठ क्लास छूटी है। आप सोच सकते हो क्या पूरी गड़ी आपकी बैक होगी कितना है इसको हिला कोई सकता है। बच्चों वेट कर रहे हैं आने के लिए, क्या बात है। बच्चे आ जाएंगे और सब बच्चे अपने घोंसलों में, सारे पक्षी अपने घोंसलों में घुस जाएंगे, क्या बात है। बिल्कुल खड़े हैं बच्चों को देखने यहाँ पर आए हैं। अब हम यहाँ देखो हमारे पेरेंट्स खड़े हैं, बहुत सारे इनसे बात भी कराएंगे। आप सबको साथ रखते हो यहाँ पर, फिर बच्चे कैंप में आते हैं आप साथ रहते हो, कैंप को क्यों रहते हो, बैठने को देंगे आप कहाँ से बेटा। आप रात को 12 बजे आप सोच सकते हो क्या, 12 बजे इस प्रकार से बच्चे निकल रहे हैं। चलो बेटा 12 बजे बच्चे निकल रहे हैं, पूरा लगता है सुबह हुई है। 12 बजे निकलो रात को बाबू निकल जाते हो, दिन सुन होते आप क्या आराम से सिस्टम है, पूरा एक तरीका है, ड्रोन सबको शूट कर रहा है, लगे हैं सब लोग और लगे हैं रात के 12 बजे। वो भी दिसंबर की रात की 12 बजे, दिसंबर में तो रात को इतनी ठंड पड़ती है, अपने रजाई में रहना पसंद करती है। आप एक बात कर रहे हैं, आपके तो पता क्या जमाना रखा बेटा, पता क्या जमाना रखा है, वो क्या बात है। आप देखें कि एक पूरा दृश्य है, सुंदर कैसा लग रहा, सुंदर सर ये ताकत है। बिल्कुल बहुत से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस टाइम जैसे आप बच्चे हैं उनके चेहरों पे जो मुस्कान है। ये देखिए सुबह उठो 6 बजे के, एक बच्चे से बात करें, रात आप 12 बजे कब उठते हो, रात को 12 बजे कोई फेस फेस आपकी कोई थकान नहीं। तो दोस्तों ड्रोन के माध्यम से अभी मैं लाइव जो बोलूँ, ड्रोन के माध्यम अपना सीन देख रहे हैं कि पूरी गली भरी हुई है, ये शुक्रवाना मेन रोड पे नहीं है,
ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा। क्या अतिरिक्त क्या सर? इस तरह का नज़ारा मैंने पहले कहीं नहीं देखा। कहाँ सब पहले हमारे पास आया? जबरदस्त है ये दोस्तों, पूरा सीन है, पूरा सिनेरियो है। आपने मंकी शेप लगाए, बच्चे घूम रहे हैं हमारे। एक रात का सीन छूटा है, मुझे भी कई दिनों बाद रात को कैंप में आने का सौभाग्य मिला है। आप सुबह क्या पूछते हो भाई? रात को 12 बज रहे, वही फ्रेशनेस, कोई थकान नहीं चेहरे पे। क्या आप देख रहे हैं दोस्तों कि रात सुबह 6 बजे उठते हैं बच्चे, उसके बाद अभी रात को 12 बजे उनके चेहरे पे कहीं थकान नहीं है। इसलिए बोलते हैं आदमी काम को एंजॉय जब करता है ना, थकान नहीं आती है।